तो ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मून लैंड। तो यहाँ दोनों आपस में मिलते हैं, तो वो सामने हिरन, place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move is on the page, but I did. और भाई कमरे का हाल देख लो, हम जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं फैला के रख देते, पूरा फैला के रख देते हैं। ये मेरी कॉफी रखी है 2 घंटे से, मैंने पीनी है अभी तक। ये तो आदत है, ये मेरी आदत है भाई। अरे ये देख लो बंदा, सुबह 4 बजे से उठा रहा हूं और 3 बजे का उठा हुआ है। मैं 3 बजे उठ, 4 बजे उठाता है क्यों, क्या सोच के उठाता है कि सरदार पूरा फैला हुआ है पूरे कमरे में, मतलब ऐसा हुआ रखा है पता नहीं क्या ही आया है। अरे 2 मिनट लगेंगे समझ जाएगा, चलो 2 मिनट लगेंगे समझने में, ये बोल रहे हैं समटा हूं ना तुम, तो जादू हो जादू। तो भाई आज रिटर्न के लिए तैयार हैं हम, मतलब यहां से जाने के लिए उल्टी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और हम जाएंगे किस साइड से, कश्मीर वाली साइड से, यानी कि आज लेह से हम श्रीनगर टारगेट है हमारा, कोशिश करेंगे, टारगेट बनाया है, वैसे तो होगा नहीं, कारगिल कारगिल देख लेंगे, वैसे टारगेट हमारा श्रीनगर ही है आज का, बाकी जहाँ तक पहुँचेंगे आपको पता चल ही जाएगा। टाइम लगभग 10 बज चुके हैं, बस निकलने ही वाले हैं, पैकिंग वगैरह सारी जो हो चुकी है, बस बाइक पे लगाना बाकी है सामान, तो बस मिलते हैं आपको रास्ते में, चलो। तो ले को बाय बाय कहते हुए निकल चुके हैं, टाइम हो चुका है 11, जो हमारा टाइम है पुराना, पुराने टाइम पर निकले हम अपने 11-12 बजे। जो जिला 320, श्रीनगर 430, क्या बात। सी ग्लो मास्टर यहीं से उड़ा है, पिछले साल उड़ाता है, अब तक उड़ी रहा है। जैसे आप लेह से आएंगे तो यहाँ पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब पड़ता है, अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए हम बाहर से ही बता रहे हैं। तो भाई काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है, और दर्शन करो, क्या वादियाँ हैं भाई। मैग्नेटिक हिल है ये, जिससे बाइक अपने आप चलता है, न्यूट्रल क्या हुआ है। तो ये झंस्कार नदी है और है इंडस नदी, तो यहाँ दोनों आपस में मिलते हैं आकर, और यहाँ पे संगम होता है दोनों नदियों का। तो हम लेह क्रॉस करती और नींबू भी क्रॉस करती। तो यहाँ से कारगिल 190 रहती यहाँ से, यहाँ कुछ लेती और खाती। तो खाना पीना खा के निकल चुके हैं एक बार, आज बस कारगिल तक ही पहुंचा जाएगा, बात तो हम श्रीनगर की कर रहे थे लेकिन कारगिल ही पहुंचा जाएगा, ऑलरेडी 2:30 बज चुका है, पूरा आर्मी कंट्रोलमेंट है ये सारा, और रोड भी बहुत अच्छी है। Of something you can forget, I'm living up every breath, I'd rather leave than be led, I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said.
सामने वो देख रहे हो रडार लगा हुआ है। चले चले चलो, ट्रक वालों ने दिया पास, फटाफट निकलो यहाँ से। ओ भाई चलो 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 चलो। Race, every move is on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down जिंडस नदी के किनारे किनारे हम चल रहे हैं इस वक्त। क्या बात है, क्या बात है भाई, लड़के गजब। ये तो बिल्कुल पास से बनी है, यही चाहिए था। ओ भाई टॉप गेट लगाती मैं और निकलती फौरन देके। क्या रोड है यार, वल्ला तो वो सामने हिरन। हम रुक गए थे ऐसे अचानक, लेकिन हमारी नज़र पड़ी और हल्की हल्की बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल हल्की हल्की। हमने रेन कवर पहन लिया अपने, बस निकलते हैं हम सीधा। अगर बारिश तेज होती है तो मैं अपना GoPro रख दूंगा, नहीं होती है तो फिर लगा ही रहेगा, दिखाता रहूंगा आपको व्यू। चलते हैं फिर नज़ारों के साथ में। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मून लैंड, बिल्कुल मतलब चांद की सतह की तरह दिखता है। लोग रोक रोक के यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पर भाई, अलग ही लग रहा है यार। तो मूनलैंड में हमारा स्वागत है, विजिट अगेन। तो ये लेह से जब आप कारगिल की तरफ जाओगे तो ये मूनलैंड पड़ेगा आपके लिए देखने के लिए, बढ़िया सा अलग ही लगता है। ये देखो अच्छा व्यू पॉइंट है। जब लेह से आप कारगिल की तरफ बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। चलो एक टाइम लैप दिखाता हूँ बढ़िया सा, फिर चलते हैं। तो टाइम लैप के बाद हम एक हाइट पे आ चुके हैं जो लगातार बढ़ रही थी और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। वो सामने देखो, ऊपर काले बादल, नीचे धूप और सामने बिल्कुल
पहाड़ों की पढ़ते ही पढ़ते पता नहीं कितने माउंटेन है। हाँ ये टॉप ही था भाई। हाँ चलो भाई जल्दी से चलते हैं फटाक से, बारिश स्टार्ट हो गई है, फटाक से निकलते हैं यहाँ से। तो भाई दिन छिपने को है, लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है इस वक्त, और हम इन हरे भरे पेड़ों के बीच से ये सड़क जा रही है, यहाँ से गुजर रहे हैं। कारगिल यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है और रोड एकदम फ्रेश रोड बनाई हुई है यार, जैसे कल ही बनी हो। हाँ फिर मैं मिलती हुई कारगिल पहुंचती। मोहन आप तो सीधा चलते रहो, द्रास के लिए यही वाला रास्ता आती है, एक बार आगे पूछती हम। तो भाई कारगिल पूरा पार कर दिया है हमने इस वक्त और द्रास की ओर बढ़ रहे हैं। द्रास ही स्टे लेंगे आज हम अपना, क्योंकि अभी टाइम है। सुबह वहां से वॉर मेमोरियल देख के और सीधा हम श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे सुबह। तो बस चलते हैं अपना द्रास सीधा। तो फाइनली द्रास से 8 किलोमीटर पहले आके हम रुक गए हैं। जाने का प्लान हमारा था श्रीनगर जी, रातों रात हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक हमीरा मार करके एक जगह पड़ती है द्रास से 28 किलोमीटर आगे है, वहां से हमें वापस कर दिया जाता, इसलिए हमने सोचा कि यहीं पे स्टे कर लेते हैं। दोपहर निकले थे 1 बजे, तो भाई जैसा कि लेट लगती है हम और जब से लेह से निकले हैं तब से कौन सी लैंग्वेज चल रही है? वाला कुवैती अरबी। हम यहाँ आती और वीडियो एंड करती। बशीर बशीर तुम बहुत खराब बंदा है बशीर। बशीर बहुत तेज चलाता बाइक, मैं क्या बताऊं तुमको। वाला हम तुमको फॉलो करती, हम तुमको अच्छा चलो बीच में मोटो जीपी खेलती, हम धूल चटाती सबको रस्ते में। चलो खुद भी लेट थी, टर्न पे खुद लेट जाती। टर्न ऐसे लेते लेते लेट जाती, फिर कहती अनुराग जल्दी आओ भाई का गुरु गुरु। तो भाई यहाँ चाय नहीं मिली, कॉफी नहीं मिली, कहवा मिला, कहवा बड़ा टेस्टी है, एक बार मुझे मेरे पास भी था, मेरा दिखा दे तो। तुम्हारा कावा ज्यादा बड़ा है। तो भाई चीयर्स। चीयर्स। झूठ बोल रहा है, पैक गया, रॉयल स्टैग पी रहा है। तुम्हें पता है मैं पीता हूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, एकदम सही है, कावा है टेस्टी, पकड़ना भाई। हम चीयर्स करते। ठीक है भाई, ये वाले वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।